हम मेहनत के दम पर कामयाब होंगे, हम मेहनत के दम पर कामयाब होंगे, किस्मत के भरोसे तो पूरी दुनिया बैठी है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल के ऊपर। देखिए, जो दिल्ली पुलिस जीएस डिस्कशन में आज की जो हमारी तीसरी वीडियो है, इससे पहले हम दो वीडियो जो डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा जो यूनेस्को में शामिल भारत की साइट्स, 40 साइट्स जो भारत की शामिल हैं यूनेस्को में, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखिए, जो दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है, 4 महीने बचे हैं, तो हमारी कोशिश रहेगी कि पूरी की पूरी जीएस को हम कवर कर पाएं, पूरी की पूरी जीएस को डिस्कस कर पाएं हम, जिससे कि आपको फायदा हो। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हमारे जो भारत के जो यूनेस्को में शामिल हैं जितनी साइट्स, उनके बारे में चर्चा करेंगे, कौन सी साइट्स कहाँ स्थित है। ठीक है, अच्छा, भारत की जो साइट्स हैं यूनेस्को में शामिल है वो है कितनी है, 40 है। ठीक है, नंबर एक कैंडिडेट से बात करेंगे तो ये बताएंगे कि अंतिम साइट्स कौन सी है, जो लास्ट साइट्स जो अब तक जो 40वीं, मतलब 40वीं साइट्स कौन सी है जो यूनेस्को में शामिल की गई है और कब की गई है। हाँ जी, धौलावीरा 2021। धौलावीरा 2021 में शामिल की गई है 40वीं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये बताएंगे, देखिए ये बताया जाता है कि आपके जंतर मंतर जो है, इन इन जंतर मंत्रों में से जो एक जंतर मंत्र ऐसा है जो कि आपकी यूनेस्को साइड में शामिल है, कौन सा जंतर मंत्र है वो, राजस्थान, जयपुर राजस्थान। ठीक जयपुर है, राजस्थान। जयपुर राजस्थान का जो जंतर मंत्र है वो आपके यूनेस्को साइट में शामिल है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन बताइए, एक है आपका गिरजाघर, गिरजाघर जो कि आपके यूनेस्को साइट में शामिल है, वो गिरजाघर कहां पर स्थित है, गोवा। गोवा में। ये मेरे मेरे खुद के एग्जाम आरपीएफ में क्वेश्चन आया हुआ है। एक क्वेश्चन बताइए, चलिए एक क्वेश्चन है, ये हुमायूं का मकबरा इसमें शामिल है, हुमायूं का मकबरा जो आपकी यूनेस्को में शामिल है, ये बताइए हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, दिल्ली। दिल्ली में स्थित है। अच्छा, एक है आपका इसमें एक राष्ट्रीय उद्यान शामिल है, एक राष्ट्रीय उद्यान शामिल है, उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए और ये बताइए वो कहां पर स्थित है, कंचनजंगा, सिक्किम। कंचनजंगा सिक्किम। सिक्किम अच्छा, कंचनजंगा सिक्किम है। देखिए राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, एक मानस राष्ट्रीय उद्यान है जो कि आपका असम में है, एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, एक सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है और एक आपका केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है, ये राष्ट्रीय उद्यान आपके, और एक आपका ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय नंदा देवी, ये आपके राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये इसमें शामिल है आपके यूनेस्को में। ठीक है, ये राष्ट्रीय उद्यान बता दिए, दोबारा से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। देखिए, एक है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, एक है आपका ग्रेट हिमालय जो कि हिमाचल प्रदेश में है, नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी, ये आपका कहां पर है, ये उत्तराखंड में है, आपका जो कंचनजंगा है ये सिक्किम है, मानस और काजीरंगा ये आपके दोनों कहां पर है, असम में है, और आपका जो सुंदरवन है ये कहां पर है, पश्चिम बंगाल में, ये आपके राष्ट्रीय उद्यान किसमें शामिल है, ये आपके इसमें शामिल है जो यूनेस्को में। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान मैंने एक बारे में बता दिए हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन बताइए, एक क्वेश्चन है ये कैपिटल कॉम्प्लेक्स, कैपिटल कॉम्प्लेक्स है एक जो कि यूनेस्को साइट में शामिल है, ये कैपिटल कॉम्प्लेक्स कहां स्थित है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में। अच्छा ये बताइए, इससे अलग एक चंडीगढ़ में एक चीज और प्रसिद्ध है, कौन सा गार्डन है एक चंडीगढ़ रॉक में, गार्डन, रॉक गार्डन, इसका निर्माण किसने कराया था, नेकचंद। नेकचंद। देखिए ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पिछली बार दो आपकी शिफ्टों में पूछा गया है जो कि जो रॉक गार्डन का। ठीक है, अच्छा माइक दिया जाए 2 नंबर कैंडिडेट को, ये बताएंगे कि बोधगया कहां स्थित है, बोधगया बिहार, बिहार में। अच्छा ये बताइए, एक है आपका जो कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो कहां पर स्थित है, उड़ीसा। उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, जो अगली जो टॉपिक हम अगला लेके आएंगे कभी, तो मंदिरों से संबंधित लेके आएंगे, उससे उसके उसमें आप देखोगे। अच्छा ये बताइए, ये जो है आपकी एक चंपानेर पावागा, जो चंपानेर पावागा है वो कहां पर है, जो कि आपकी यूनेस्को साइट में स्थित है, यूनेस्को साइट में शामिल है, चंपानेर, गुजरात। गुजरात में। अच्छा गुजरात से एक आदमी और बता सकते हैं आप, जो जो यूनेस्को में शामिल हो, चंपानेर है जी, और एक रानी की वाव है, रानी की वाव है, और एक, ये क्वेश्चन भी आरपीएफ में आपके पूछा गया है, रानी की वाव कहां स्थित है, केवला देव है, केवला देव आपके राजस्थान में है, एक है एक। अच्छा एक शहर बताइए, एक सिटी बताइए जो कि यूनेस्को में शामिल है, कौन सी सिटी है, अहमदाबाद। अहमदाबाद सिटी है जो क्या है, यूनेस्को में शामिल है। ठीक है, अच्छा ये बताइए, इसमें यह है
ये पड़ता है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये कहाँ है जो कि राष्ट्रीय पद जो कि आपकी यूनेस्को में शामिल है? मुंबई महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र। आपके महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, एक है आपका महान चोल मंदिर, ये आपके किस स्टेट में पड़ता है? ये पड़ेगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में महान चोल मंदिर, और एक है महाबलीपुरम के स्मारक के समूह, ये दोनों कहां से है? तमिलनाडु से है। अच्छा ये बताइए, एक है ये नालंदा महाविहार, नालंदा महाविहार कहां इस पर स्थित है जो कि यूनेस्को में शामिल है? ये बिहार में। बिहार में, बिहार से देखिए दो है, एक बोधगया है, एक नालंदा महाविहार है, ठीक है। तीन नंबर कैंडिडेट को दीजिए, ये बताएंगे, ये बताएंगे कि खजुराहो कहां स्थित है? खजुराहो एमपी। एमपी मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अच्छा एक बताइए, यह है एक, यह है एक हम्पी, हम्पी कहां पर स्थित है? ये आपके अभी बताया था मैंने, कर्नाटक में स्थित है, जो कि आरपीएफ में मेरे शिफ्ट में पूछा गया था ये। अच्छा ये बताइए, एक क्वेश्चन है आपका, ये है आपकी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, वो कहां पर स्थित है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में है, थोड़ा पास करके बोलिए माइक में। अच्छा ये बताइए, एक एक क्वेश्चन है, ये एक पड़ता है आपका जो कि दार्जिलिंग रेल है, दार्जिलिंग रेल किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से संबंधित है, बहुत अच्छे। अच्छा एक अगला क्वेश्चन है, ये पश्चिमी घाट पर्वत जो कि इसमें शामिल किया गया है, पश्चिमी घाट पर्वत को यूनेस्को में, ये बताइए पश्चिमी घाट पर्वत मुख्य रूप से किस जो स्टेट में है, कहां पर है? केरल। केरल, देखिए पश्चिमी घाट पर्वत कहां पर है? केरल से लेकर ऊपर महाराष्ट्र तक है, लेकिन इसका ज्यादा हिस्सा, ज्यादा पहाड़ियां कहां पर है? इसकी केरला में है, ठीक है, तो केरला ही माना जाता है इसका, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन बताइए आप, एक क्वेश्चन है आपका जो आपकी आपके पढ़ते हैं, ये भीमबेटका शिलाशय, ठीक है, भीमबेटका की गुफा जो भी बोला जाता है, ये कहां पर स्थित है? भीमबेटका की गुफा महाराष्ट्र। नहीं गलत है, ये आपका कहां पड़ता है? ये आपका पड़ता है एमपी में, देखिए, ठीक है, एमपी में देखिए, एक खजुराहो है, एक सांची का स्तूप है, और एक क्या है? भीमबेटका की गुफा है। अच्छा एक क्वेश्चन बताइए, अजंता की गुफा कहां स्थित है? अजंता की, अजंता एलोरा की गुफा कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहां पर? ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है, मुंबई, महाराष्ट्र मुंबई में ये आती है, ठीक है, ये जगह है वैसे तो जो एलोरा और अजंता, ठीक है, ये गुफा का अजंता, ये गुफा कहां पर पड़ती है? महाराष्ट्र में पड़ती है। अच्छा एक क्वेश्चन और है आपका, एक आप बताएंगे, इसमें बताइए, ये जो फतेहपुर सीकरी है किस स्टेट में पड़ती है? यूपी। यूपी आगरा में पड़ती है, ठीक है ना। इसमें देखिए यूपी से एक आगरा का किला है जो यूनेस्को में शामिल है, एक ताजमहल है, और एक फतेहपुर सीकरी है, तीन चीजें क्या है आपके यूनेस्को में शामिल है। अच्छा एक क्वेश्चन बताइए, ये बताएंगे कि पत्तदकल कहां पर स्थित है जो कि आपके यूनेस्को में शामिल है? कर्नाटक। कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। देखिए आज के जो इस टॉपिक में हमने सारे के सारे जो टॉपिक हैं, जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं, वो सारे कवर किए हैं। कमेंट करके बताइए कैसा लगा हमारा टॉपिक, और कमेंट करके ये बताइए कि अगला डिस्कशन किस टॉपिक पर करा जाए, ठीक है दोस्तों। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।